नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि आईपीएल 14वें सीज़न के आगाज होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में क्रिकेट के मैदान से इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर आ रही है। बता दें कि 9 अप्रैल से मुंबई इंडियंस और साथ ही रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच इस मुकाबले के सीज़न की शुरुआत होनी है। ऐसे में कोरोना के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए एक बड़ी खबर आई है। बता दूं कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंड स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इस स्टेडियम में आईपीएल के 10 मुकाबले खेले जाने हैं। उससे पहले यह खबर कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेकर बुरी खबर बताई जा रही है। बताते चले कि पिछले हफ्ते वानखेड़े स्टेडियम के 19 ग्राउंड स्टाफ की कोरोना जाँच की गई थी, जिनमें से 3 की रिपोर्ट 26 मार्च को ही आ गई थी। वहीं बाकी 1 अप्रैल को 5 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद आईपीएल का पहला मैच 10 अप्रैल को चेन्नई और दिल्ली के बीच खेला जाना है। वहीं मुंबई में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आईपीएल को लेकर खास तैयारी कर रही है, जिसमें ग्राउंड स्टाफ को एक ही जगह ठहराने का विचार किया जा रहा है। यानी कि आवागमन करे कम से कम हो और साथ ही वह सुरक्षित भी रहे। ऐसे में बीसीसीआई की तरफ से भी कोई भी आधिकारिक पुष्टि मैच को लेकर नहीं की गई है। यानी कि मैच अभी भी फिलहाल खेले जाएंगे, लेकिन उससे पहले यह खबर कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस और साथ ही क्रिकेट के लिए बड़ी और बुरी खबर आई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आईपीएल के कई मुकाबले वानखेड़े और साथ ही कई स्टेडियम में खेले जाने, ऐसे में दर्शकों को लेकर यह खबर है कि शायद इस टूर्नामेंट में आगे दर्शकों को जाने की अनुमति कम ही होगी। और लगातार अगर ऐसे ही कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो इसका क्रिकेट पर भी खासा असर देखने को मिलेगा।